पांच पांच का 20 ग्रुप बना लेंगे, ठीक है ना, ए बैच, बी बैच, A1, A2, B1, B2, ओके, एंड देन दिस इज अंडर योर प्रैक्टिकल इंट्रोडक्टिव फॉरेस्ट्री का जो कोर्स है उसके अंतर्गत हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको क्या करना है कि इस पेपर को इस प्रकार से ट्रायंगल में इसको फोल्ड करना है, ओके, देन इसका एपेक्स और इसका बेस। यदि आप गड्ढे में नीचे खड़े हैं तो आप हाइट को अपनी एड करें, अगर ऊंचाई पर हैं आप, पहाड़ी पर हैं, तो उस ट्राई को जो है प्लस करें। दिस इज नंबर वन, ओके, हम इसको पहले तो मार्क कर रहे हैं उसको, उसके बाद इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद जो है इसका डायमीटर निकालेंगे, और डायमीटर निकालने के बाद इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ट्री क्या है। ब्लॉक ए ब्लॉक ट्री नंबर वन, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, देन इसका हाइट कितना है और डायमीटर कितना है। हर कैंपस का एनवायरमेंटल राइटिंग या कार्बन क्रेडिटिंग कहते हैं। इसमें क्या है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं कि इन्वेंट्री हम यहाँ कर रहे हैं कि पूरे मेडिकेव्स के कैंपस में कौन कौन से ट्रीज हैं, उनका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल कितना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जितने भी ट्रीज हैं उनको नंबरिंग करेंगे, उनकी इन्वेंट्री करेंगे, उनका स्पीसीज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसकी हाइट देखेंगे, उसका डायमीटर देखेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद बायोमास देखेंगे, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि किसका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल कितना, कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये ट्रीज एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वातावरण को ऑक्सीजन दे रहे हैं, कितना वातावरण हमारा इन्वायरमेंट जो है यहाँ शुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट ईयर में हमारा एक कोर्स चलता है इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री का। उस फॉरेस्ट्री के कोर्स में फर्स्ट ईयर के हमारे 100 बच्चे हैं, उनके हमने पांच पांच बच्चों का एक एक ग्रुप बनाया है, ऐसे करीब 20 ग्रुप हमारे बने हैं। हमने जो इन्वेंट्री करी है उसके अनुसार हमने देखा कि करीब 1500 ट्रीज हैं और करीब 40 स्पीसीज हैं। तो इन 1500 ट्रीज को मेजरमेंट करने के लिए इनका बच्चों का ग्रुप बना है। इसमें हम बच्चों को जो है प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। ये एक बच्चों को एक टास्क दिया गया है, इसके अंतर्गत जो है बच्चे इसकी इन्वेंट्री करेंगे और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पोटेंशियल जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो हम इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे कि यहाँ का कार्बन क्रेडिटिंग पता चलेगा कि कितने ट्रीज हमारे यहाँ हैं और कितने ट्रीज यहाँ होने चाहिए। ऊपर का हिस्सा जो है वो ए बैच को दिया है और नीचे का हिस्सा जो है बी बैच को दिया है। प्रैक्टिकल का पीरियड जो होता है उसके अंतर्गत जो है वो पूरे बच्चे कर पाएंगे इसको।